हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहानी का नाम है बहू बेटी। एक पिता ने अपनी लाडली बिटिया रोली की शादी एक अच्छे गुणी एवं संस्कारी लड़के से कराई। उसका परिवार भी अच्छा और सुसंस्कारी था। बेटी भी अपने ससुराल में खुशहाल जिंदगी बसर कर रही थी। ससुरालियों के संग बेटी रोली भी दूध में मिश्री सी घुल मिल गई थी। नौकरी पेशा लड़की रोली को ब्याह कर घर ले आए थे रजत के माता पिता। ससुराल वालों के अनोखे रहन सहन में रोली भी बेटी बन जी रही थी। रजत अपने सास ससुर जी से भी रोली की भांति ही अपनेपन का अनोखा रिश्ता बनाए बेटा बनकर ही जी रहा था। बिजनेस के सिलसिले में जयपुर आते जाते रहते रजत अचूक अपने ससुराल सहर्ष जाता और उनकी सेवा करता। दामाद होने का रत्ती भर भी घमंड उसमें न था। रोली और रजत की शादी के 4 या 5 साल बीत चुके थे। रोली अपनी पहली डिलीवरी के चलते मायके जयपुर गई हुई थी और रोली के मायके आने के कुछ ही हफ्तों में ऑफिस के कुछ काम के सिलसिले में रोली के पापा जनक राय जी को बेटी के ससुरालियों के शहर इंदौर जाने की नौबत आई। पुराने ख्यालातों को मानने वाले जनक राय जी को बेटी के घर का पानी पीना भी गवारा न था। उनके पुराने ख्यालातों को जानकर ही कामकाजों को निपटाकर आते उन्हें बहुत देर हो गई। देर हो जाने से जनक राय जी झिझक कर कई गुना अधिक बढ़ गई। वो तो अच्छा हुआ कि दामाद रजत कुमार अपने ससुर जी को पिकअप करने उनके ऑफिस पहुंच गए और जनक राय जी आनाकानी न कर सके और उनके साथ चल दिए। ऑफिस और घर के बीच के 7-8 किलोमीटर के फासले में जनक राय जी चुप्पी साधे हुए बैठे थे। एक तो बेटी का पिता होने की झिझक, ऊपर से संबंधी जी के घर भोजन करने की बात और देर होने के एक और वजह उनकी झिझक भी शामिल होती चली गई। पापा जी इत्मीनान से बैठिएगा, बस 10 मिनट में हम घर पहुंच ही जाएंगे, कहते हुए दामाद ने बड़ी ही विनम्रता से अपने ससुर जी से बातचीत का दौरा शुरू किया। कार में आंखें मूंद कर बैठे जनक राय जी को उनकी ऑफिस के सारे कर्मचारियों की बातें याद आने लगी। ऑफिस के बाकी सारे कर्मचारी भी बारी बारी से जनक राय जी के सामने उनके सुसंस्कृत दामाद के अच्छे व्यवहार की तारीफ करते चले जा रहे थे। राह चलते या कहीं बाजार में या कहीं प्रोग्राम में रजत कुमार मिल जाए तो बेअब्दी से कभी न पेश आते, उतना ही मान सम्मान देते जितना वे अपने ससुरालियों को देते। और ये सब किस्से सुनकर जनक राय जी की झिझक और भी ज्यादा बढ़ने जाने लगी। तभी उन्हें लगा कि अपने संबंधी जी को फोन करके मना कर दें, पर दूसरे ही पल अपनी बीवी और छोटी बेटी शैली की बातें जहन में बुदबुदाने लगी। अपने शर्मीले स्वभाव के चलते कुछ गलत शलत न कर देना, संबंधी जी हैं वो हमारे, रोली बेटिया को उल्टे पांव वहां दौड़ना ना पड़े आपकी किसी बेवजह की झिझक के चलते। दामाद रजत कुमार के घर का आंगन दूर से ही दिखाई दिया, जहां पर घर के सारे सदस्य आंगन में उनको लिवाने के लिए खड़े थे। रोली बेटे की ससुरालियों ने उनका बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया। उनकी आदत को ध्यान में रखते हुए गुनगुना पानी तांबे के गिलास में लेकर आए। जनक राय जी आश्चर्यचकित रह गए। आदतन ही जनक राय जी के दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में जुड़ गए। उनको चाय परोसी गई। अब पिता जनक राय जी सोचने लगे कि डॉक्टर ने मीठी चाय पीना मना किया है और इतने प्यार से पिला रहे हैं, मना किया तो बुरा मान जाएंगे शायद।
तो वे कुछ न कहते हुए चाय पीने लगे। जैसे ही चाय की पहली चुस्की ली, पता चला कि हूबहू घर जैसी ही फीकी एवं अदरक इलायची वाली चाय थी। फिर खाना खाने डाइनिंग टेबल के सिरहाने बैठे। तब भी उन्होंने सोचा कि डायबिटीज का मरीज हूँ, मीठा मना करूँगा तो बुरा मान जाएंगे। ठीक है, एक दिन खा लेता हूँ। पर जब थाली परोसी गई तो वे फिर एक बार अचंभित हो उठे। सारा खाना उनके परहेज के मुताबिक ही परोसा गया था। खाना खाकर उठे तो सौंफ वाला पानी भी पिलवाया गया। अब तक तो वे कुछ न बोले, पर विदाई के वक्त उनसे रहा न गया और बड़ी ही विनम्रता पूर्वक पूछ ही लिया। जनक राय जी ने अपने संबंधी जी से कि सास ने बतलाया कि कल शाम को हमारी बहू रानी का फोन आ गया था कि मेरे पापा बेअब्दी न करेंगे और कुछ न बोलकर चुपचाप खा पी लेंगे, तो आप इतना ध्यान जरूर रखिएगा। सास की बात सुनकर पिता की आंखें भर आई। अपने घर लौटकर जनक राय जी पहले पहल अपने मंदिर वाले कमरे में गए और मंदिर के ऊपर रखी अपनी स्वर्गवासी माता जी की तस्वीर से हार हटाकर नीचे रखने लगे। जो उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, जनक राय जी ने जो जवाब दिया उससे उनकी पत्नी की आंखें भी नम हो गई। रोली पिताजी ने कहा, मुझे आज पता चला कि मेरी देखभाल करने वाली मेरी माँ चल नहीं बसी, वो तो मेरी बेटी के रूप में मेरे घर लौट आई है। माँ जानवी देवी के मुंह से अनायास ही देवी पुराण निकल पड़ा। फर्क सिर्फ इतना था कि देवी का स्थान बेटी शब्द ने ले लिया। बेटी यानी वात्सल्य की मूरत, बेटी ही तो होती है दया की सूरत, बेटी ही तो है सबसे समझदार, बेटी ही तो होता है चाहत का समंदर, बेटी ही तो है प्यार की झील, बेटी ही है घर लगता है घर, बेटी ही माँ का दूजा रूप होती है, बेटी है तो वृंदावन कहलाती है, बेटी ही तो है माता का अस्तित्व नया, बेटी ही तो पिता का मान सम्मान है। सासू माँ के गीतों के बोल को पूरा करते हुए रजत और उसके ससुर उसके माता पिता भी बोल पड़े। और जिसके घर बेटी नहीं और बेटा है, उन्हें तो और भी खुश होना चाहिए कि ईश्वर ने सामने से मौका दिया होता है बेटे के साथ साथ बेटी पाने का। बहू के रूप में बेटी और बहू एक ही है, एक जो खून से जुड़ी वो है बेटी और दूजी जो हृदय से जुड़ी हो। बेटी सिर का ताज होती है तो बहू उस ताज में सजा हुआ हीरा कोहिनूर।